के नाम बात करूं, एक बेहतरीन खिलाड़ी जो सजी हुई टीम मनजीत सर की अगुवाई में, जिन्हें पूर्वांचल का महेंद्र सिंह धोनी कहा जाता है, सात नंबर की किट पहनना पसंद है। सात हालांकि अपनी टीम से ओपनिंग करते हैं। सनी यादव एक बेहतरीन ऑलराउंडर जिसके पास वो काबिलियत है जो अपने दम पर पूरे टूर्नामेंट के हर मैच को बदल सकता है। और उनके अलावा मैं देख रहा हूँ मोहम्मद असद एक बेहतरीन जो सरीखे गेंदबाज, उनके अलावा कंबू और चंदू दो भाइयों की खूबसूरत जोड़ी जो सरफेई ने सबसे अच्छे खेल का प्रदर्शन की थी। और उनके अलावा उभरता हुआ सीताराम वीरेंद्र भारद्वाज जिसके पास एक लेफ्ट हैंडर गेंदबाज और लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज जो बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए माहिर है, लेकिन ये सर्किल क्रिकेट टूर्नामेंट है, कैसे अपने खेल का प्रदर्शन करेगा। ऋषु फैज और राशि ये टीम 10 प्लेयरों की लिस्ट है जो खेलेगी और ऊपर ऊपर रहती है और बेहतर होगा। साल में नहीं मगर बहुत छोटे छोटे रहे, मगर अरे 10 साल पहले बार बताए थे पर मगर 12-13 कसम से फूल मैच हो रहा है। टीम कैप्टन नॉर्मल जीत भाई इतना तगड़ा मैच हो रहा, मैचों करावत नटियन मतलब जैसे आजमगढ़ में हो तो नहीं किया मैचों, लेकिन नई टीम ना लगा था। फिर साल लगा तब की पार हुई। तो क्या असंग टीम मंगरावा में खेल रहे हैं सिर्फ फील्डिंग के लिए, एक एक ओवर के लिए कप्तान अंपायर से बात हुई है और सिर्फ एक ही ओवर जो जो है, हालांकि मुझे लगता है कि उनके प्लेयर आ गए तो वो अंदर आ जाएंगे। तो अब आ गए प्लेइंग टीम पूरी आ गई है टीम मंगरावा की, दो सलामी बल्लेबाज मैदान में आते हुए नजर आ रहे हैं। सलामी जोड़ी इस वक्त मैदान में मऊ की शान मऊ की जान मनजीत सिंह धोनी और मनजीत सिंह और उनके साथ जा रहे बल्लेबाजी करने के लिए सनी एक बेहतरीन जोड़ी। और इस क्रिकेट की कायनात के ये दोनों कोहिनूर जो अपने खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या करेंगे। 6+6 ओवर का ये मुकाबला है, दिलचस्प मुकाबला कस्बा माहौल चैनल पर लाइव दिखाया जा रहा है और आप सभी लोग फेसबुक पर जुड़ी है। अब्दुल्ला के हाथों में गेंद है, एक बेहतरीन लेफ्ट आर्म सीमर के हाथों में गेंद है। मनजीत जिसके पास कला वो कला है जो अपने क्रिकेट की दुनिया में जो नाम कमाया जो शोहरत कमाई है और बड़ा नाम रोशन किया है, आज अपने बल्ले से कैसे ये कारनामा करते हैं। और ये जो जोड़ी है और ये सबसे अच्छी जोड़ी है, आजमगढ़ के अंदर बात की जाती है तो मिस्टर नुमान शेख और राफी शेरवानी की जोड़ी वैसे ही मऊ की सबसे बेहतरीन जोड़ी मानी जाती है इस वक्त, जिस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी मनजीत सिंह जिनके पास कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं और एक बड़ा ग्राउंड है इस पर इन्हें महारत हासिल है, कैसे बल्लेबाजी करेंगे। अपने स्टैंड को ओपन कर लिया अब्दुल्ला की पहले के स्विंग करने के अंदाज में 36+36 गेंदों का यह मुकाबला चल रहा है। फील्ड की सिचुएशन को पढ़े अब्दुल्ला की गेंदों को मैं देख रहा हूं कि अंपायरिंग कर रहे हैं सतीश यादव जी और उनके अलावा सलीम सर जो इस वक्त अंपायरिंग की जिम्मेदारी के कंधों पर, अब्दुल्ला के अलावा एक लॉन्ग ऑन एक डीप मिड विकेट और एक मैं देख रहा हूँ कि पॉइंट एक इसके अलावा एक कवर एक स्लिप उसके अलावा एक गली, ये स्लिप करना चाहते थे बल्लेबाज मनजीत सिंह, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि गेंद को मिस भी और चली गई गेंदकीपर के दास्तानों में। तो अच्छी शुरुआत दोनों टीमों की तरफ से, एक अच्छा दिलचस्प मुकाबला। मैं देख रहा हूँ कि अंपायरिंग कर रहे हैं सलीम भाई जिनका बहुत सहयोग रहा इस क्रिकेट टूर्नामेंट में। इस बार रूल आउट मार बैठे ओवर पिच गेंद थी और ऐसा लगा कि मानो कि तेज बल्ला चला दिया हो सीधे कवर के बाहर चली गई और विकेट का पतन होता हुआ। और सर्किल क्रिकेट में कहा जाता है कि आपके धैर्य की परीक्षा है और आपके अंदर जो टैलेंट है वो क्वालिटी है वो आप दिखाइए इस मैदान के अंदर। ये छोटा फॉर्मेट है लेकिन आपको ये हुनर सिखाने वाला फॉर्मेट है, आप यहां से कुछ सीख कर जाएंगे। और तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ से 200 रुपए का इनाम है अगर यहाँ पर अब्दुल्ला अगर अपनी हैट्रिक विकेट पूरा कर दे। यहाँ पर अमित ने अपनी पहली हैट्रिक बिसाम में पूरा की, नए बल्लेबाज संभव आए बल्लेबाजी करने के लिए, एक बेहतरीन बल्लेबाज और बड़ा नाम रोशन किया। ये बच्चों को क्रिकेट भी सिखाते हैं उनको गोल सिखाते हैं और इनकी एक अपनी एकेडमी के अंदर बच्चों को तैयार करते हैं, एक कोच भी है एक अच्छे प्लेयर भी है।
इस बार कट किया है, गले की तरफ कहीं रन लेने का मौका बन रहा है। पहला रन टीमों के लिए, मंजीत क्लबों के लिए ये पहला रन मतलब बनाते हुए सबू बड़े विकेट का पतन हुआ है। पहली ओवर में यहाँ पर सफलता दिलाई है अब्दुल्ला गेंदबाज ने, और ये दो बल्लेबाजों के ऊपर एक बेहतरीन लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सनी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, ओपनिंग करने आए थे मंजीत सिंह के लिए। हालांकि मंजीत सिंह का विकेट पहले ही ओवर में गिर गया है, अब कैसे बल्लेबाजी करेंगे, क्या रणनीति होगी, क्या अपने अंदर के किस हुनर को, अपने टैलेंट को ये कैसे दिखाते हैं। फील्ड में तब्दीली की जा रही है, पॉइंट को लगा लिया है, अब गली को मैं देख रहा हूँ, उसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि एक लॉन्ग लेग को लगाया है, एक बैकवर्ड स्क्वायरिंग लगा विकेट कीपर के पास लगाया है। ये फील्ड की पोजिशन अब्दुल्ला के लिए अच्छी गेंद, सीधे बल्ले से खेला, ये चतुराई है। ये सनी जो इस क्रिकेट फॉर्मेट के एक अच्छे प्लेयर है और उन्हें पता है कि इसमें चौको से ज्यादा सिंगल पर डिपेंड होना होगा, क्योंकि एक एक रन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। अगर आपको ये मुकाबला जीतना है तो एक रन की लड़ाई होती है सर्किल क्रिकेट टूर्नामेंट में, और वही एक रन आपको जीत दिलाएगा। इस बात को सोचते हुए दोनों टीमें लड़ाई करें, क्योंकि ये आपके लिए लीग आउट का मुकाबला है। जो टीम हारेगी वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, और ये कैसे ये होगा ये आने वाला समय बताएगा। हालांकि ये अच्छी गेंद अब्दुल्ला की, लगभग गुड लेंथ गेंद थी, हालांकि मिडिल स्टंप पर गेंद थी, स्टेयर करना चाहते थे स्टंप, लेकिन गेंद ने सही बल्ले का साथ नहीं दिया, गेंद वहीं पर लुढ़क कर रह गई। अंपायर ने ओवर, सलीम सर ने ओवर की ऐलान कर दिया। एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नाउ फर्स्ट ओवर इज कंप्लीटेड फ्रॉम मिस्टर अब्दुल्ला इन द ब्रिलियंट स्पेल, 1 ओवर 2 रन एंड 1 विकेट। The wicket down is the batsman, Mr. Manjeet Singh. He is a good player. He is one of the best players in Purvanchal. Now this time is gone to Pavilion. Two batsmen, Mr. Sambo. He is a very reliable player on this time. And also Mr. Sunny. The both batsmen in the crease. और पेशे से एक टीचर है मिस्टर सनी जी, जो इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं और अपने क्रिकेट का बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करने की जरूरत। अगर मऊ की टीम को अगर अगले राउंड में प्रवेश करवाना है तो गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए आए हुए हैं। मैं देख रहा हूँ कि नबील के ऊपर ये जिम्मेदारी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अगर कोई भी 3 विकेट लेता है तो 200 रुपए का इनाम है। नबील की पटकी गेंद बंद करने का प्रयास किया था और सलीम भाई का इशारा यहाँ वाइड का आता हुआ। तो मैं देख रहा हूँ इस क्रिकेट टूर्नामेंट के जो आयोजन किया मिस्टर फरहान शेख, सतीश यादव जी, सबाउर रहमान भाई, मनोज यादव, अफजल शेख और समस्त ग्रामवासी, बादल, सूरज, सुबोध इलेक्ट्रॉनिक, फंकी हेड मोहम्मद आरिफ भाई और उनके अलावा शक्ति यादव, सबका बड़ा सहयोग रहा। तो मुकाबला दिलचस्प, राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाजी करेंगे लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज मिस्टर सनी के लिए, जो लेग स्टंप से बाहर जाने की गेंद को छोड़ा, सिटी गेंद विकेट कीपर के दास्तानों में एक एक रन की बड़ी वैल्यू है। जैसे कि मैंने बताया इस मुकाबले में स्कोर इस वक्त 4 रन है, दूसरा ओवर चल रहा है। मुझे याद है वो लॉडर हिल का वो मैदान अमेरिका में जहां पर 245 रन बनाई थी टीम वेस्ट इंडीज ने और भारत 1 रन से वो मुकाबला हारी थी। तो 1 रन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आप उसे कभी नहीं भूल सकते। इस बार पटकी फुल करने का प्रयास किया, एक और विकेट का यहां पतन होता हुआ और ये साफ दिख रहा है। मंजीत सिंह सनी ये दोनों खिलाड़ी अभी बिहार से खेलकर वापस लौटे हैं और ये साफ दिख रहा है कि उसका असर उनके बल्ले पर दिख रहा है कि वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे मैदान के अंदर, और जिसका खामियाजा दूसरे विकेट के रूप में पतन होता हुआ। स्कोर है मात्र 4 रन। तो बिहार के टूर्नामेंट में 21,000 की राशि जीती थी सनी यादव ने, और स्कोर और नए बल्लेबाज वृद्ध, एक भरोसेमंद बल्लेबाज, बहुत कम वक्त में अपने नाम को रोशन किया है, एक बेहतरीन ऑलराउंडर, अब छोटे कद के जरूर है लेकिन बहुत फुर्तीले खिलाड़ी है। अब यहाँ से एक एक रन बड़े इंपॉर्टेंट है। संभव जो टीम का एक ऐसा बल्लेबाज जो आखिरी ओवर तक खेलना चाहेंगे, अच्छी गेंद और अंपायर का फैसला यहां वाइड का। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ से हेडरिंग विकेट पर 200 का इनाम है। मंगरावा के कोई भी गेंदबाज अगर विकेट लेगा, अलवासी की क्लब से भी बड़े इनाम यहां पर है, जो गेम चेंजर ऑफ द मैच होगा और अंपायर का फैसला सर्वमान होगा। और जो मैदान के अंदर आप जो रूल्स है रेगुलेशन आपको बता दो कि आप मैदान के अंदर थूक नहीं सकते, धूम्रपान नहीं कर सकते, इन सब चीजों का ख्याल रखें। आप लोअर और जोन टी शर्ट में होना अनिवार्य है, मैंडेटरी है इस क्रिकेट टूर्नामेंट में। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज यहां पर अच्छी गेंद, कलाई के सारे क्रीज
में अंदर रहते हुए बल्ले के सामने फोड़ा था लॉन्ग लेग की दिशा में, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर चेंज कर लिया। एक रन की बदौलत स्कोर जा पहुंचा इस वक्त 6 गेंदों पर। तो मेरे साथ माता भाई जो लगातार स्कोरिंग कर रहे थे, तो सबका सहयोग टूर्नामेंट भी शाम में खेला जा रहा है, रूल आउट क्रिकेट टूर्नामेंट है। टूर्नामेंट का दूसरा मैच मऊ और मंगरावा के बीच खेला जा रहा है, लेकिन वहां पर फील्डर है, कैच नहीं मिला और तब तक ये दूसरा ओवर नवीन का चल रहा है। अपने कोटे का पहला ओवर टीम की तरफ से दूसरा ओवर, 6+6 ओवर का ये मुकाबला है। अच्छा मुकाबला चल रहा है, रनों की संख्या यहाँ पर 6 रन। पहले ओवर में अब्दुल्ला ने 2 रन खर्च किए और मंजीत का विकेट लिया था। अब तक इस ओवर में 4 रन बने हैं जिसमें बल्लेबाज सनी के विकेट का पतन हुआ। तो एक एक रन इंपोर्टेंट है, सिंगल रनों की बहुत जरूरत। इस बार हरी रन नहीं लेना चाह रहे हैं बल्लेबाज, एक एक रन की यहाँ लड़ाई है। और मैं अंपायर मिस्टर सलीम भाई से और सतीश भाई से चाहूंगा कि ये जी बिल्कुल, ये देखिए एक नौजवान भाई गया और उसको ठीक किया, जो बल्लेबाजों की जो भागने के लिए जो बनाया गया है, और आप पिच के ऊपर भी रन नहीं भाग सकते। लेकिन समस्त पिताम वासियों के लिए खुशखबरी है कि एक बेहतरीन लाइटिंग, एक बेहतरीन ग्राउंड, एक बेहतरीन विकेट, सब कुछ निर्माण किया है और सबका सहयोग रहा पूरे ग्रामवासी का। अगर इस बार अंदर आती हुई गेंद पैरों की तरफ लुढ़कती हुई चली गई या मैं देख रहा हूं कि लगभग काउ कॉर्नर की दिशा में, तब तक बल्लेबाजों ने अपना छोर चेंज कर लिया और 1 रन बनाने का मौका और 1 रन की बदौलत स्कोर जम पहुंचा 7 गेंदों पर। इस 1 रनों की मदद अब यहां से देखना है कि कितने रन अपने निर्धारित 36 गेंदों पर बना पाती है। एक भी चौका भी मऊ की जानिब से देखने को नहीं मिला, इससे ये बता रहा है कि कितनी कसी भी गेंदबाजी टीम मंगरावा की तरफ से हो रही है। हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। इस बार कलाइयों के सहारे गेंद को मोड़ा है और गेंद जारी सीधा रखा की तरफ, एक कदम पहले बड़ी खूबसूरत फील्डिंग का पता चला और अपनी टीम के लिए यकीनन 3 रन बचाए हैं। व्हाट आर द फीलिंग नाउ अंपायर रतन की बिंदन डिसीजन ओवर इज कंप्लीटेड, 2 ओवर इज कंप्लीटेड, रन गोइंग ऑन 7 एट द लॉस ऑफ 2 विकेट। मिस्टर मनजीत सिंह एंड सनी गॉन टू पवेलियन ऑन इन 2 ओवर। अब 24 गेंदे हैं और बल्लेबाजी कर रहे हैं वीरेंद्र भारद्वाज। दोनों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि अब ये 24 गेंदे बची हैं, क्योंकि ये चमचमाती ये खूबसूरत ट्रॉफियां किसके हिस्से लगेगी, कौन शीर्ष पर कब्जा जमाएगा, कौन वो पूर्वांचल की इस खूबसूरत ट्रॉफी पर अपना नाम रोशन करेगा, ये आने वाला समय बताएगा। इस जो बिसाम कप है इस पर किसकी बात का हक कायम होगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मैं अपने तारीफ करूंगा अपने बड़े भाई जो इस वक्त लाइन दिखा रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं। अब्दुल्ला जी इस बार लॉफ्ट शॉट ऊपर है, गेंद का ये कैच होगा और ये अंपायर के फैसले का इंतजार करूंगा और ये विकेट का पतन होता हुआ, और एक वीरेंद्र जो एक बेहतरीन बल्लेबाज है उनका भी विकेट का पतन होता हुआ, एक कलात्मक बल्लेबाज। तो मेरे भैया मैं देख रहा हूँ कि शक्ति सिंह जी जो एक समाज सेवी है, गरीबों के मसीहा है और उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा, जैसे कि मेरे फरहान भाई बता रहे थे सुबोध यादव जी का भी बहुत सहयोग रहा इस क्रिकेट टूर्नामेंट में। फरहान से दोस्तों पूर्वांचल का जोंटी रोड जिसे कहा जाता है, पिताजी की सरजमी सुभरता भाई सितारा जो आज अपने इस ग्राम सभा में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया, संभोगी गेंद लगभग गेंद मिडिल स्टंप पर आ रही थी, गेंद बल्ले लगने के बाद देख रहा हूं कि गेंद गई है लगभग कवर की दिशा में, तब तक 1 रन पूरा कर लिया। तो एक बिल्कुल दिशा के में गेंदबाजी हो रही है और ये पता चल रहा है कि मंगरावा जब तक स्कोर बोर्ड पर 6 ओवर में 40 रन नहीं होंगे तब तक मऊ के तरीके गेंदबाज चाहे वो शैलेंद्र हो, चाहे वो अर्शद हो, सनी यादव हो, वीरेंद्र हो, कैसे गेंदबाजी करेंगे। स्कोर बोर्ड कम से कम 40 रन होने चाहिए और रनों की संख्या अभी भी मैं देख रहा हूँ कि मात्र 8 के योग पर है और ये बता रही है कि आजमगढ़ की ये टीम जो सर्किल के फॉर्मेट की बेहतरीन टीम है, अब्दुल्ला गेंदबाजी कर रहे हैं, हालांकि कुछ बात थोड़े से नाखुशी जताते हुए और लेकिन
अब यहाँ गेंदबाजी रन पर अब्दुल्ला तैयार होते हुए लंबे रन से गेंदबाजी करना पसंद करते हैं, लेफ्ट आर्म राउंड करके गेंदबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज जो नए आए हैं मैदान के अंदर। इस बार गिरने के बाद अपना कांटा बदली है और एक रन यहाँ पूरा कर लिया बल्लेबाजों ने। तो अब नए बल्लेबाज समाता बल्लेबाजी करने के लिए ऋषि आए हैं। ऋषि अगर भाइयों को हैंड अप कर दें, अगर आप रिशु भाई हैं तो हैंड अप कर दे भाई, बल्लेबाज जो नॉन स्ट्राइक पर है रिशु। धन्यवाद। तो रिशु एक बेहतरीन क्रिकेटर और अब एक बेहतरीन ऑलराउंडर ये भी है और अब कैसे ही अपने गेम को यहाँ पर शो करेंगे। तो अब बची हुई ये जो गेंदे हैं, तीसरा ओवर चल रहा है, रनों की संख्या मात्र 9 की रन पर है। अब्दुल्ला की कसरी गेंदबाजी काट किया और क्या तस्वीर लगा बाहर, 4 रन। वेलकम टू बाउंड्री 40 मिस्टर संभू प्लेड वेरी ब्यूटीफुली और गेंद को देखा स्टंप के बाहर भी हल्के बल्ले से पंचों पर उछलते हुए गैप में ढकेला गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बल्ले से लगी हुई है या पैरों से लगती हुई गई, पैरों में लगती गई हुई है। तो अब मैं चाहूंगा एक मिनट के लिए मैच कुछ क्षणों के लिए रोक दिया जाए क्योंकि बल्लेबाज फिसलेगा तो बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए कारपेट को मैं देख रहा हूं, या तो पूरी तरीके से हटा दिया जाए या कारपेट को पूरी तरीके से सुरक्षित कर दिया जाए ताकि अभी मैं इससे पहले वाले मुकाबले में देख रहा था एक बल्लेबाज का पैर फिसल गया था जिससे किसी को चोट ना लगे, सारी बातों को ख्याल में रखे। और इस बात पर फरहान ने भी सुन के मुझे बताया और अगर पलट के लगावे तो आउट रहा स्लिप करे नहीं तब ना आउट कर दरार। हां हां वो कहा तो पलट के की लगावे ना लगावे ना ना तो मतलब ना लगावे वो पीछे से आधी पीछे दौड़ के निकला दौड़ाते। अरे कभी तो मैं देख रहा हूँ कि इस क्रिकेट टूर्नामेंट को कराने में मिस्टर फरहान शेख सटीक भाई सबाउ रहमान भाई अफजल शेख जिनका बहुत सहयोग रहा, बादल का, सूरज का, सुबोध इलेक्ट्रॉनिक का बहुत सहयोग रहा, उसके अलावा मनोज यादव जी और एक नाम मुझे बहुत प्रिय लगा बड़े भैया मानी श्री शक्ति यादव जी का जो एक समाज सेवी है जिनका बहुत सहयोग रहा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बहुत सहयोग रहा, जनता टेंट हाउस का भी सहयोग रहा, सबका सहयोग रहा। जो आज ये प्रिसाम कप दोस्तों चल रहा है किसी के नाम पर नहीं है, ये ग्राम सभा का है, हर एक इंसान का है जो प्रिसाम से बिलोंग करता है। अगर किसी के दिल में ये है ये किसी के नाम पर टूर्नामेंट नहीं ऑर्गेनाइज हुआ है, ये टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज हुआ है पूरे पिसम वासियों के नाम पर हुआ है और यहाँ का हर हिंदू, हर मुस्लिम, हर सिख, हर ईसाई सब बराबर के हकदार है। और ये गंगा जमुना की तहजीब पर क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, इस आवाम में दोस्ती के लिए पैगाम देने के लिए टूर्नामेंट का इनोग्रेशन हुआ है। MM70 के ये कप्स लहरा रहे हैं और ये खूबसूरत सा ये ग्राउंड खुदिया रोशनी में जो चल रहा है अच्छा लग रहा है। शंभू ने दो गेंदे दो बाउंड्री, रनों की तरफ मैं रुक करूं, स्कोर हो गया 17। अब स्कोर बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार शंभू ने बड़ी चलाकी से खेल का सिंगर लेने का प्रयास किया, रनआउट का मौका बन रहा था, फंकी हट के ऑनर आरिफ ने बेहतरीन थ्रो किया और यहां पर सलीम साहब का ओवर की समाप्ति, यहां पर मैं देख रहा हूं 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 18 रन। तो 6 रन प्रति ओवर से रन बना रही है। वही मैं कह रहा था कि अगर आप एक साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम, अगर आप साइकोलॉजिकली इफेक्ट डालना चाहते हैं टीम मंगरामा के ऊपर तो आपको कुछ करना होगा। तो शंभू ने एक बेहतरीन बाउंड्री लगाई, एक उनके थाई पैड पर लगकर गेंद चली गई थी फाइनल सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। 3 नंबर की किट में इस वक्त नजर आ रहे हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ मनजीत सिंह की कंपनी की जो टीम खेल रही है उनका उनका नेतृत्व कर रहे हैं। वन डाउन बल्लेबाजी करने आए थे, 18 रन स्कोर है 3 ओवर की समाप्ति पर, 2 विकेट के नुकसान पर। मऊ वर्सेस मंगरामा के बीच मुकाबला चल रहा है बिसाम कप के नाम से। तो मैं सभी दर्शकों का एक बार फिर खैर मकदम करता हूं। तो मोहम्मद गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाजी रन पर आ रहे हैं मोहम्मद कासिम। शक्ति भैया की तरफ से मैं देख रहा हूं कि 200 का इनाम हैट्रिक विकेट पर, कोई भी गेंदबाज हैट्रिक विकेट ले 200 रुपए का इनाम। यहां पर मोहम्मद कासिम के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी, पहले गेंद ओवर पीस गेंद और यहां पर मना कर रन आउट का मौका बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है और यहां पर विकेट का पतन होता हुआ कौन की थी मिस्टर स्तंभ ने, हालांकि बहुत जल्दी कर दी। अब कौन सा
आवाज आता है बल्लेबाजी करने के लिए। अब मैं देख रहा हूं कि मिस्टर अरफत संभवतः निकले हैं बल्लेबाजी करने के लिए और बड़े विकेट का मिस्टर रिसु के विकेट का पतन होता हुआ। तो अब यहां पर ये ड्यूस बोर्ड के दो बड़े प्लेयर जो मऊ की शान है अब कैसे अपने खेल का प्रदर्शन करते हैं। नाउ मिस्टर कासिम रेडी टू बॉल फॉर टू बैट्समैन मिस्टर जो गाड़ियां लगातार आ रही है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रोड के उस पार लगा दें रास्ता जाम ना करें। बहुत सी आवाम सोलह की में आनी है पूर्वांचल की बेस्ट टीम आनी है मऊ के तो सारे सितारे नजर आ रहे हैं इस वक्त ग्राउंड पर टीम टीम आ रहे हैं। और अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए और अब यहाँ पर अंदर जो सिंगल के लिए बहुत अच्छे प्लेयर माने जाते हैं हालांकि ये एक बेहतरीन गेंदबाज है लेकिन ये पुछले टैलेंटेड बल्लेबाज जैसे भारत के लिए इरफान पठान बल्लेबाजी करते थे उस तरीके के ये बल्लेबाज है। आखिरी क्षणों में ये बेहतरीन बल्लेबाजी कर सकते हैं जफरो आर्चर की तरह कुछ बड़े शॉट लगा सकते हैं क्रिस कोक्स की तरह ये कुछ शॉट लगा सकते हैं काशिम की गेंदों का सामना करेंगे। चौथा ओवर चल रहा है अच्छी गेंद और ये प्यार सद्भावना मिलजुल कर रहे हम हमेशा इस हिंदुस्तान के बारे में सोचे। अगले गेंद इस बार कट किया है शंभू ने गेंद डाली सीमा रेखा के तरफ और ये क्या एक कदम पहले रोक ली गई और तो इस एक रन की मदद से स्कोर बोर्ड की तरफ देखिए रनों की संख्या जा पहुंची 19 योग पर और मैं देख रहा हूं कि आसिफ भाई लेकिन हम ना करते हाँ ई है बॉलर है तो मैं देख रहा हूँ कि आसिफ भाई मदारपुर भी संभवतः वॉलीबॉल की दुनिया के बेताज बादशाह जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वॉलीबॉल के लिए दे दी है वो संभवतः नजर आ रहे हैं। मैं उनसे चाहूंगा बड़े भाई आप कुर्सी पर बैठे आपका स्वागत है अभिनंदन इस क्रिकेट प्रतियोगिता में और रनों की संख्या हो गई है 20 रन चौका ओवर मोहम्मद कासिम गेंदबाजी कर रहे हैं। स्कोर ठीक है स्कोर है 22 रन माफ करना स्कोर साहब ने थोड़ी नजरे झपकी थी और यहाँ पर स्वीकार किया है अपनी गलती को इस बार लेकिन स्टंप के बाहर गेंद जा रही थी और अंपायर का फैसला यहाँ वाइट का होगा। मोहम्मद कासिम गेंदबाजी कर रहे हैं मंगरावा की तरफ से जो अच्छी टीम है शंभू बड़ी ही मैं देख रहा हूं कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं इस बार बड़ी खूबसूरत ओमकार स्ट्रोक सच अ ब्रिलियंट स्ट्रोक फ्रॉम शंभू अ ब्रिलियंट स्ट्रोक फॉर लगान टेक्स बाउंड्री ऑन दिस ओवर रन गोइंग ऑन नाउ 27 रन ऑन इन फोर्थ ओवर बेहतरीन शॉट टू बाउंड्रीज देखने को मिली मिस्टर स्टंपो के अपने संयम का अपने धैर्य का बड़ी ही ईमानदारी के साथ यहाँ अपने खेल का प्रदर्शन करते हुए और कहा जाता है कि जैसे मैं बता रहा था कि एक तरफ है स्टंपो और दूसरी तरफ है अर्थ चार ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या है इस वर्ष 27 रन तो बड़े भैया शक्ति यादव जी की तरफ से 200 रुपए का इनाम हैट्रिक विकेट पर और उनका बड़ा सहयोग है एक क्रिकेट गेम प्रतियोगिता पर चौके पर भी उन्होंने लगा दिया इनाम। मैं उनका अंपायर सलीम साहब का मैं देख रहा हूँ कि हाथ हवे में है और ये इशारा है कि वाइड का तो नवीन गेंदबाजी कर रहे हैं रनों की संख्या इस वक्त अब देख रहा हूँ 28 रन। तो अब जहां पहले दो ओवर में मात्र पहले ओवर में 2 रन दूसरे ओवर में 7 रन शंभू ने एक बेहतरीन काबिले तारीफ
पारे निश्चित तौर पर मैं कहूँ तो अपनी टीम के लिए बेमिसाल पारी खेलते हुए और अब इस ओवर में नब्बे की गेंदों का सामना करेंगे अर्शद पटेल के जब से आए सिंगल चुरा रहे लगातार और यही इनका काम है। अब्दुल्ला ने बड़ी सुस्ती फुर्ती के साथ बैकअप किया और अपनी टीम के लिए रन बचाए और अगर मंगरामा का कोई प्लेयर अगर हैट्रिक नहीं ये टूर्नामेंट सुधीर मिलान अकेले कमेंट्री करेंगे भाई अपने इलेक्शन में बिजी होंगे इलेक्शन वो लड़ रहे हैं और सखी जी लगा के चलिए मैं चौके पर भी लगा दे रहा हूँ तीन चौके मारिए 200 रुपए का इनाम बेहतरीन इनाम यहाँ पर लग रहा है। इस ओवर में नवीन गेंदबाजी कर रहे हैं लंबे रन से एक बार तंबू के लिए ऑफिस कम से बाहर गेंद चली गई और यहाँ पर वन माउंस का इशारा छोटे करके है आराम से मैच के लिए ज्यादा कमेंट ना करें। सुदीप भाई से मैंने बोल दिया है वो हर चीज बोलते रहेंगे आप लोग को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे तो सुदीप भाई जो कमेंट्री कर रहे हैं वो सब कुछ बता रहे हैं और एक अच्छे क्रिकेटर भी है। इस वक्त अपने खेल का बेमिसाल प्रदर्शन करते हुए अपने संयम अपने धैर्य का इस बार तेज रफ्तार की गेंद बीट कराने में कामयाब है। हालांकि अगर सबू यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अपने कमर पर हाथ रख ली है क्योंकि उनको पता है कि गेंद गिरने के बाद असमान यानी अनऑर्थोडॉक्स उछाल ली है और चली गई विकेट कीपर के दास्तानों में। तो फील्ड की पोजीशन देखे तो आप साइड में 5 फील्डर लेग साइड में 4 फील्डर गेंदबाजों के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं मिस्टर नबी। इस वक्त गेंद लेकर इस ओवर में सबों के लिए एक स्लो लेंथ की गेंद भी अपील की दारी हाथ में लहराते हुए विकेट कीपर ने हालांकि कोई इशारा नहीं किया और इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी रनों की तरफ मैं रुक करूं स्कोर है इस वक्त 28 गेंदों पर। तो ये पांचवा ओवर चल रहा है गेंदबाजी कर रहे हैं मिस्टर नबी और मैं कोटे की बात करूं अब्दुल्ला ने एक बेहतरीन स्पेल किया नबी का बेहतरीन स्पेल चल रहा है काफी ने भी बढ़िया गेंदबाजी की है। तो ये पांचवा ओवर राउंड विकेट ओवर विकेट इस बार कट किया है ये रन लेना चाहते हैं ना हाँ ना हाँ अपील की जा रही अंपायर से लेकिन सतीश यादव टस से मस देने और अंपायर का फैसला मानता हुआ आउट का और अब मैं देख रहा हूँ ये मंगरामा के जो समस्या तक है वो अपने हाथ को लहराते हुए बताते हुए तो इस मुकाबले में मैं देख रहा हूँ कि अब ये दोस्तों विशाम कप इसमें 16 टीमें हैं और पूर्वांचल की वो 10 जिलों की वो सभी खिलाड़ी हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि अंबेडकर नगर के मेरे आदर्श रहे मेरे बड़े भैया भूपेंद्र सिंह जो किसी टीम के हिस्सा होंगे और मऊ की शान मनजीत सिंह की टीम आई हुई है नुमान शेख का आगमन हो रहा है और उसके अलावा अर्शद शेख का भी मैं देख रहा हूँ किसी टीम में है एक लास्ट बॉल ऑफ द ओवर है 1 to go ऑन दिस ओवर। तो नए बल्लेबाज जो क्रीज पर आए हैं मैं उनका नाम जानना चाहूंगा क्या फैज होगा हैंड अप कर दें क्या फैज बल्लेबाजी आए बल्लेबाजी करने राशिद मिस्टर राशिद आए बल्लेबाजी करने के लिए नबील की गेंदों का सामना करेंगे। मंगरामा ने अच्छा क्षेत्र रक्षण किया अच्छा गेंदबाजी की सही दिशा में दर्शनीय प्रयास रहा अब तक इस मुकाबले में। इस ओवर में तेज रफ्तार की गेंद चली गई अंपायर का फैसला या माइक का और गेंदबाज ने हालांकि असहमति जरूर जताई है लेकिन अब अर्शद जा रहे हैं बात करने के लिए मिस्टर राशिद से कि आप अच्छे अभी एक ओवर आना बाकी है और रनों की संख्या में देख रहा हूं अब 30 रन स्कोर बोर्ड पर लगे हुए हैं और ये 6 ओवर का मुकाबला है। सभी की शुरुआत तो टीम मंजीत एंड कंपनी ने नहीं की थी उनके शुरुआत में दोनों सलामी बल्लेबाज स्कोर 29 इस बार एक और विकेट का बटन मोहम्मद राशिद के रूप में एक और सफलता खुल के मजा ना आती है रूल आउट हुआ है ना मैंने तो वही शुरू कर दिया अरे तो स्कोर है 3 रन बिल्कुल एक वाइड और एक सिंगल भी गया स्कोर है 3 रन दो वाइड में एक सिंगल स्कोर है 30 ठीक है। अब ये पांचवा ओवर अंपायर से जानना चाहूंगा ओवर का समाप्त हो चुका है एक ओवर में 6 रन प्रति ओवर से टीम लेके जा रही है अब यहाँ से बचिए 6 गेंदे अब 6 गेंदे पर कितना रन टीम मंजीत क्लब मऊ हासिल कर पाती है फ्रंकी हार्ट क्लब मंगरावा क्या करती है जो इस वक्त फील्डिंग कर रही है। अच्छा मुकाबला दिलचस्प मुकाबला 5 खिलाड़ी ऑफ साइड में 4 खिलाड़ी लेग साइड में गेंदबाज मोहम्मद कासिम के हाथों में गेंद
अपने कोटे का दूसरा ओवर टीम की तरफ से छठा ओवर बल्लेबाज मोहम्मद अरशद और अब इस टाइम पर आ गए चंदू। ये दो बल्लेबाज है क्रीज पर। अब यहाँ से कैसे गेंदबाजी करेंगे कासिम की पहली गेंद अरशद के लिए सिंगल छुड़ाने का प्रयास रन आउट का यहाँ पर प्रयास तो किया गया लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बल्लेबाजों ने अपना छोड़ चंद कर लिया। स्कोर हो गया 31 रन 31 गेंदे 31 रन। मोहम्मद कासिम भाई जो इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं लेकिन मोहम्मद कमर आसिम साहब दोस्तों व्हाइट जो टी शर्ट में व्हाइट शर्ट में और नेवी ब्लू कलर की जींस में जो बैठे हुए हैं जो आपके जहां से मैं कमेंट्री कर पा रहा हूँ उसके ठीक सामने से और ये मुकाबला फेसबुक पर लाइव दिखा रहे हैं। इस बार चंदू के लिए गेंद ड्राइव किया था सीधे बल्ले से लेकिन एक रन बनाने से एक रन नहीं बना पाए बल्लेबाज। तो अब चार गेंदे बची है स्कोर है 31 रन और मैं देख रहा हूँ कि बल्लो मामा हल्ला गुल्ला करते हुए और अपनी टीम के लिए इस बार कट किया है बाउंड्री की तरफ जा रही है रन आउट का प्रयास लेकिन बल्लेबाजों ने अपना छोड़ चेंज कर लिया और स्कोर जा पहुंचा अब यहां से 32 के योग पर। बैटिंग जो मजबूत हुई और बड़े भाई फुरकान अहमद का भी बहुत बड़ा योगदान है इस क्रिकेट टूर्नामेंट में। अदनान भाई का भी बहुत योगदान है इस क्रिकेट प्रतियोगिता में और दोस्तों एक अच्छी बिसम कप के नाम से आयोजित ये टूर्नामेंट इस बार तेज रफ्तार की गेंद मोहम्मद कासिम की लहराती हुई अरशद की और गुड लेंथ गेंद थी। हालांकि विकेट में देख रहा हूँ कि अच्छा विकेट बनाया गया है विकेट की अच्छी सतह है इसमें कहीं ना कहीं एक कलाकारी मिस्टर फरहान की और सतीश की होगी जो इस विकेट को बनाने का काम किया है। हालांकि गेंदबाजी कर रहे हैं मोहम्मद कासिम इस ओवर में अगली बार तेज रफ्तार की एक और गेंद रन आउट क्या ये चंदू रन आउट होंगे नहीं तो अभी स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या है 32 रन। तो फरहान से और सतीश यादव तमाम रहमान अफजल से और समस्त ग्रामवासी मैं देख रहा हूँ बहुत से मेरे दोस्त मेरे बड़े भाई इस वक्त खड़े हैं जो इस मुकाबले को देख रहे हैं लेकिन क्रिकेट के प्रति जो प्यार है जो स्नेह है जो ममता है मैं अपने साथियों का धन्यवाद दूंगा कसबा माहौल चैनल पर जुड़े हुए मैं तमाम फेसबुक प्रेमियों से मैं धन्यवाद दूंगा कि आप दोस्त जुड़े रहे और आप मुकाबले का आनंद लेते रहे। ओवर की समाप्ति तो अपने मऊ मंजीत क्लब मऊ ने अपने निर्धारित अपने 6 ओवरों में यहाँ पर 33 रन बनाए हैं जीत के लिए टीम भंगी हाट क्लब मंगरामा को 34 रनों की जरूरत 36 गेंदों पर इस मुकाबले को जीतने के लिए। खेत लगा था तो बराबर की आई बढ़िया जगह तो रोड पे रमजान में रहते तो नहीं किया होते लेकिन इलेक्शन खत्म हो जाए ना तो थोड़ा सा कम हो जाए। तो 36 के लिए 34 रन सल्लू जो दोस्तों जो बिहार में सबसे ज्यादा जो लगातार टूर्नामेंट खेले हैं और आज किस तरीके से ये गेंदबाजी करेंगे सल्लू शैलेंद्र के नाम से मशहूर है अरशद है गेंदबाजी मिस्टर सनी है गेंदबाज यानी बहुत बेहतरीन गेंदबाजी चंदू को मैं कैसे भूल सकता हूँ और उसके अलावा शंभू भी गेंदबाज बड़ी और गेंदबाजी कर सकते हैं धीरेन्द्र भी। तो ये 34 रन में करना क्या होगा अच्छी फील्डिंग करनी होगी अच्छी सही दिशा में गेंदबाजी करनी होगी तभी ये मुकाबला मऊ जीत सकती है। लेकिन जो सामने जो बल्लेबाजी है टीम फंगी हार्ट क्लब की जो ये टीम है मंगरामा उसके पास जो खिलाड़ी है वो जो लगातार सर्किल क्रिकेट खेलते हैं 36 गेंदे 34 रन कोई बड़ा टारगेट नहीं है लेकिन ये छोटा भी टारगेट नहीं है ये सर्किल है और सर्किल में इम्पॉसिबल कुछ नहीं सब कुछ पॉसिबल है लेकिन देख रहा हूँ कि मैदान के ऊपर किसान के वासी जो अपनी मेहनत करते हुए रन लाते हुए और अपनी अपने काम को अंजाम देते हुए तो कौन होगा वो गेंदबाज जो मऊ की तरफ से पहला ओवर लेकर आएगा क्या वो अरशद होंगे क्या वो शैलेंद्र सलमी होंगे शंभू होंगे एक बड़ी गेंदबाजी है लेकिन क्या बल्लेबाजी करने के लिए क्या मोहम्मद कासिम आएंगे मोहम्मद आरिफ आएंगे अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा।
अरे एक तो वो है एक दस मनवा जब पड़ जाता ना और कितना अच्छा बॉलर रहा है अरे खाई खिलाड़ी है तो कुल खेल ले कर दो हाँ झड़ुआ वाला कर दो डिकार्ड ना है का ये तो डिकार्ड खत्म हो गया आशीष बताओ तो अब आगे कमेंट्री के लिए चंदन सिंह जी जो कमेंट्री करेंगे और सिधारी से बड़े भैया चलकर आए हैं और बड़ा सहयोग रहेगा मैं आपका धन्यवाद दूंगा भैया और कमेंट्री करेंगे दो ओवर के लिए बड़े भैया चंदन सिंह की तरफ मैं लेके चलता हूं आपको हमारे साथी कमेंटेटर सुजीत जी का बहुत बहुत स्वागत है जिन्होंने माइक अभी हमें हैंड ओवर की है अभी मैच ये मैच मऊ बनाम मंगरामा खेला जा रहा है जिसमें मऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित अपने 6 ओवरों में 34 रन बनाए 33 बनाए हैं 34 रन बनाने होंगे सामने मंगरामा वाली टीम को 36 गेंदों में 34 रन इनको बनाने हैं देखना किस तरह की बल्लेबाजी कर सकते हैं काफी अच्छी गेंदबाजी यूनिट है मऊ के पास अब देखना है कि किस तरह से इस लक्ष्य छोटा तो कुछ नहीं होता क्रिकेट में निश्चितताओं का एक खेल है छोटा बड़ा कोई भी लक्ष्य नहीं होता है लेकिन अब देखना किस तरह से इसको चेस करते हैं बॉलर नेम हम जानना चाहेंगे प्लीज सनी यादव लेफ्ट आर्म गेंदबाज लग रहे हैं लेफ्ट आर्म से गेंदबाजी करेंगे बैट्समैन हेलो फर्स्ट बॉल काफी अच्छी ऑफ साइड ऑफ स्टंप गेंद डॉट कराते हुए बेहतरीन गेंदबाजी जिस तरह की शुरुआत की जरूरत थी मऊ को जितनी ज्यादा से ज्यादा डॉट गेंदे करेंगे उतना ही प्रेशर बढ़ा पाएंगे चेस करने वाले टीम के ऊपर नेक्स्ट बॉल लेके चलते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से पटकी हुई गेंद काफी नीचे रहते हुए बैट्समैन को जब तक कुछ समझ में आता काफी देखते हुए इधर उधर बल्लेबाज बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया बहुत ही शानदार गेंदबाजी अभी तक देखते हुए लेफ्ट आर्म गेंदबाज की वैसे भी खासियत होती है राइट हैंड बल्लेबाज के लिए उनको बाहर छोड़ते हुए गेंद निकलती है जिससे शरीर का कोई हिस्सा न लगने के कारण विकेट कीपर के पास ज्यादा जाने का संभावना रहती है इसी गेंद अच्छी गेंद से हल्के हाथों से खेला पॉइंट की दिशा में दौड़कर काफी तेजी से रन लिया रन आउट की अपील हो रही है देखना अंपायर का फैसला क्या होता है अंपायर ने नॉट आउट कहा है बहुत ही शानदार सटीक कीपिंग उतना ही अच्छा थ्रो लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित अपनी इनिंग में पहुंच चुका था और इस बीच बल्लेबाजों ने छोर बदलते हुए एक रन पूरा किया टीम का बढ़ता हुआ स्कोर अभी खाता खुला है बिना किसी नुकसान के 3 गेंदों पर 1 रन बना चुकी है सामने चेस करते हुए मंगरावा की टीम बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए लेफ्ट आर्म बॉलर सैलिन अब जबरदस्त फील्डिंग मैं कहूंगा पॉइंट की जाने आप जानते ही होंगे की सबसे अच्छी अपनी टीम का फील्डर खड़े होते हैं जैसे दक्षिण अफ्रीका की ओर से जॉन्टी रोड्स अफसल गिब्स तमाम इंडिया की तरफ से युवराज सिंह तो जो सबसे अच्छा फील्डर होता है वो पॉइंट की जानी फील्डिंग करता है जहां पे बॉल काफी ज्यादा कट होती है उसको पकड़ना आसान होता है लेकिन फिर से अच्छी गेंद इस बार ओवर द विकेट से माफ कीजिएगा राउंड द विकेट से लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करते हुए बार बार बॉल को डॉट करा रहे हैं भरिया का लड़का है माजिद के लिए चले लेफ्ट आर्म स्लोअर गेंद काफी हल्के हाथ से खेल कर रन आउट की संभावना और डायरेक्ट हिट किया है अंपायर का डिसीजन का हमें इंतजार रहेगा
नॉट आउट। अरे पूरे इंडिया में है 70। यासिर भाई तो पहले ओवर की समाप्ति पर 3 रन, बेहतरीन गेंदबाजी, अब 30 के 31 रन, काफी शानदार। जिस तरह से शुरुआत की जरूरत थी मऊ को, उसी तरह कसीन गेंदबाजी की है शैलेंद्र जी ने। और नेक्स्ट बॉलर का नाम सल्लू, ये भी लेफ्ट आर्म गेंदबाज, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए मुलाकात करे के लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से आए रामो से कातरा की है कि दीवाड़ आउट कासिफ के लिए। बहुत ही शानदार गेंदबाजी सल्लू, और काफी तेज यॉर्कर की गेंद रन देने की सब रन आउट का मौका पाया, लेकिन थ्रो सही ना होने की वजह से सीधा हाथ में मारकर रन लेने का प्रयास किया था और रन आउट की संभावना थी, लेकिन दोनों बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज में, थ्रो अच्छा ना होने की वजह से रन आउट की संभावना खत्म हुई। इसी बीच बढ़ता हुआ स्कोर 4 रन बिना किसी नुकसान के, दूसरा ओवर प्रगति पर है। बॉलर होंगे सल्लू मऊ की जानिब से, बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए अब सामना करेंगे कासिम। सल्लू की अगली गेंद का सामना करेंगे, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज। इसी बीच फिर अंपायर को क्रॉस करते हुए बहुत ही शानदार गेंद, फिर से पैर पर लगी रन आउट की संभावना, लेकिन फिर से स्टिक को पहले ही गिरा दिया था, इसीलिए एक रन और लेग बाई के रूप में बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन बिना किसी नुकसान के। मंगरामा धीरे धीरे टारगेट की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अभी कोई बाउंड्री की तरफ एक शॉट खेला था, लेकिन उसको बहुत ही अच्छा बचाव किया पॉइंट पे खड़े फील्डर ने, बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग करा जा रहा है पेश किया। और इस तरह के छोटे टारगेट में रूल आउट के मैच में फील्डिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है। और इसी बीच अगली गेंद लेकर सल्लू कासिफ के लिए, अभी तक कासिम के बल्ले से कुछ खास रन आए नहीं है, भाई। अभी उनको गेंद समझने में टाइम लग रहा है, इसी चक्री गेंद काफी तेज गेंद होकर हल्के से पॉइंट के सामने लगा, बहुत ही फुल लेंथ की गेंद थी, उसे 35 रन दे दी और 4 रन बेहतरीन पॉइंट की तरफ से 4 रन बटोरे हैं। बहुत ही जब मैं कह रहा था कि अभी उनके बल्ले पे आसिफ, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन, फुल लेंथ की गेंद यार कराने की कोशिश थी, फुल टॉस हुई। और इसी बीच सल्लू की अगली गेंद लेकर, अपनी अगली गेंद लेकर बहुत अच्छी गेंद, क्लीन बोल्ड यार कर दिया, इस बार यही प्रयास पहली बार किया था, लेकिन सही एग्जीक्यूट नहीं कर पाने की वजह से बैट फुल टॉस हो गया, उसका पूरा पाना बल्लेबाज ने उठाया था और इस बार सही तरह से अपनी गेंद को एग्जीक्यूट किया और क्लीन बोल्ड कर दिया, स्टंप बाहर, पहला झटका लगता हुआ मंगरामा की टीम को 9 रन पे पहला विकेट। नेक्स्ट बल्लेबाज बैट्समैन प्लीज, बैट्समैन ने प्लीज, बैट्समैन कृपया अपना नाम बता दें। आसिफ राइट आर्म, राइट हैंड बैट्समैन के लिए सल्लू चले लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से, कलाइयों के सारे खेला है, फाइनल की दिशा में रन रन आउट की अपील कर रहे हैं, लेकिन बल्लेबाज दौड़कर सुरक्षित अपने क्रीज में, अंपायर नॉट आउट किया, नॉट आउट का फैसला अंपायर का, काफी संतुष्ट लग रहा है फील्डर, लेकिन ये तो होता ही है। अंपायर का निर्णय सर्वमान्य है और आप उसके बीच में कुछ अपना डिस्कस नहीं कर सकते, अन्यथा अब माइक मैं हैंड ओवर कर रहा हूं साथ ही हमारे कमेंटेटर के द्वारा, आप आगे की कमेंट्री सुनिए। थैंक यू वेरी मच। सल्लू रन राउंड द बॉल टू मोहम्मद कासिम, कासिम ने बस फुट बीट ना साधे आस्था बाल विद द कीपर स्कोर, नो डैमेज डन, स्कोर नाउ 9 फलास ऑफ 1 विकेट। और मैं इसी बीच में आपको बताता चलूं कि
हमारे मेहमान खुसूसी जनाब अरशद फरीदी साहब इस वक्त पिंडाल में मौजूद है अपने लाओ लश्कर के साथ, बड़े खामोशी से मैच को देख रहे हैं इस वक्त। और आज में तमाम मेहमान का कमेटी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है जो बड़े खामोशी से मैच को देखा जा रहा है। और मैच बीच में भी साहब आजमगढ़ में टूर्नामेंट है, ये मैच जो है मऊ और मंगरावा के बीच खेला जा रहा है। ऐसे ही और मैच देखने के लिए आप मेरे चैनल कमर आसिफ यूट्यूब पे मेरा चैनल है कमर आसिफ नाम से, QAMAR कमर ASIF आसिफ कमर आसिफ नाम से यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए। आपको बहुत सारे मैचेस देखने को मिलेंगे यूट्यूब पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सनी तो आखिरी बंद बस फुक एंड मैं कोलंबिया के पीछे बैठ के बाहर है, इसको रिमेन नो डैमेज डन 10 पर आता फोन के फिर प्लस वन कैच पर ने दबल सुन कवर एक्स्ट्रा कवर वाइड इज लगा एंड इसको लेंथ एंड मिड विकेट एंड लगा सनी बैट्समैन मोहम्मद आसिफ लुक अराउंड द फील्ड बैट्समैन राकिब तैयार है फील्डर को जायजा लेते हुए और बॉलिंग के निशान पर तैयार है बॉलर सनी कुछ हैदायत लेते हुए कुछ टिप्स लेते हुए किस तरह आखिर को गेंद कराया जाए। पहली गेंद बहुत अच्छी गेंद और बैक रंग पिच बैक के बॉल है कॉन्टेक्ट वाला सपोर्ट की सनी रन कर आउट लेफ्ट आर्म बॉल अच्छा दिया सम ब्यूटीफुल बॉल बॉय भाई सनी वेरी वेरी लकी मोहम्मद आकिब बॉल गोज टू कीपर वेल सपोर्ट बिहाइंड विकेट कीपर अनदर वेरी गुड बॉलिंग कीपर अच्छा सपोर्ट करते हुए अपने बॉलर को सनी बॉलिंग के निशान पर लेफ्ट आर्म राउंड हतवास गिरा देता है वैसे भी ना। हाँ कीपर कितनी गेंद पे कितना रन चाहिए और मोहम्मद हसन कलाम एएम हसन कलाम कल्चर आनर मोहम्मद अली शेर मान सल्लू है ये फैसल की जानिब से टिफिन बहुत तगड़ी कर रहा था हैट्रिक चौके हैट्रिक विकेट पर 200 रुपए का अवार्ड रखा गया है और असद साहब की तरफ से की तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार है हैट्रिक पर। बाउंड्री छोटी नहीं अगर लेकिन मैच तगड़ा बना एक बॉलर तीन बॉल पर यानी हैट्रिक बना लेता है तो मोहम्मद आसिफ की तरफ से 500 रुपए मिलेगा। जाकर और बल्ले का मुंह खोलते हुए बॉलर की तरफ खेल दिया बॉलर अपनी बॉलिंग करते हुए सनी बॉलिंग के निशान पर जाते हुए एक स्लिप गली कवर अच्छा कवर वाइड लगा ये ऑफ साइड की फील्ड लगा रखी कप्तान ने सलाम मशवरा करते हुए अपील कर रहे हैं कैच की अंपायर का डिसीजन पेंडिंग बाबू मत हिला भाई भैया 11 रन दो खिलाड़ी के आउट होने पर मगरामा को मैच जीतना है तो उनको 34 रन बनाने होंगे। बहुत अच्छा मैच बड़े खुशगवार माहौल में टूर्नामेंट खेला जा रहा है डे नाइट का मैच। हाँ वो तो
हसाऊ सकत है। राशन फरीदी साहब की तरफ से जो बार हैट्रिक बना लेता है तो 500 रुपए का अवार्ड, और आए हुए तमाम मेहमान का कमेटी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। इस टूर्नामेंट को सजाने बजाने में जो हमारे सामने लिस्ट रखी है, फरहान साहब है, सतीश है, बॉलिस्ट्रेम, सल्लू, मोहम्मद अरशद, ठीक ये करेंगे आकिब को। मोहम्मद अरशद वह बहुत ब्यूटीफुल बॉल, बहुत अच्छी गेंद और थ्रो आया, इसी बीच में अंपायर के सारा जाना चाहते हैं, लेकिन भाई करा नहीं, आप बैठते भाई करण मेरे ख्याल में स्कोर 12 रन दो खिलाड़ी के ओवर पर। मोहम्मद अरशद की गेंद का सामना कर दो ओवर से विकेट आए, गेंद की अच्छी गेंद पड़ने के बाद चली गई विकेट कीपर के हाथ में बिना किसी रन के। सुनील यादव की नहीं मार तमाम खिलाड़ी हौसला अफजाई तालियां बजाकर बाहर, मोहम्मद अरशद की हौसला अफजाई करें, बेहतरीन गेंद पड़ने के बाद मुंह होते हुए चली गई विकेट कीपर के हाथ में बिना किसी रन के। बॉलर मोहम्मद अरशद आए गेंद की और एक बार अच्छी गेंद, बैट पर बैट को बुझाकर ड्राइव करने की कोशिश की, और अंपायर का हमें सारे का इंतजार है, अंपायर का डिसीजन अभी आया नहीं है सतीश यादव का। अपनी क्रीज में स्टिल है, अंपायर सतीश यादव के करीब में है, बॉल कीपर के हाथ में बॉल दी जा रही है, अपनी अपनी पोजीशन पर अंपायर दोनों जगह लेते हुए। डे नाइट मैच बहुत शानदार माहौल में खेला जा रहा है। मोहम्मद अरशद अंपायर के सारे के इंतजार हो गया, दौड़ना शुरू किया, विकेट पहुंचे की और तेज रन की बेहतरीन फील्डिंग, रन आउट का खतरा और अंपायर ने नॉट आउट दिया, बहुत अच्छी फील्डिंग की, जितनी तारीफ की जाए सब कम है, एक ही एक रन थ्रो किया और लेकिन बैट्समैन अपनी क्रीज मोहम्मद आरिफ पहुंच गए, एक और रन का इजाफा, कुल स्कोर हो गया 13 रन। आगे अरशद की गेंद का सामना करेंगे, मोहम्मद अरशद राइट हैंड ओवर चार ओवर 14 रन दो खिलाड़ी आउट, 20 रन की जरूरत है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ से 200 रुपए के नाम हैट्रिक विकेट लेने पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार है। जो भी गेंदबाज हैट्रिक पूरी करता है वो आकर कमेंट्री बॉक्स से अपना इनाम लेते हैं। आप लोग ये मोहम्मद अली शेर हैट्रिक विकेट के लिए इनके तरफ से भी 200 रुपए का पुरस्कार है। चली गेंद लेकर लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से चले सल्लू, काफी अच्छी तेज गेंद ऑफ स्टंप पर, बल्लेबाज को जब तक कुछ समझ में आती गेंद सीधा कीपर के दस्तानों में समा चुकी है। कीपर एक बहुत ही जाने माने खिलाड़ी, बहुत ही चर्चित मौके खिलाड़ी रंजीत मियां है, बहुत ही शानदार कीपिंग और अच्छी कप्तानी करते हुए
इसी बीच अगली गेंद सल्लू की काफी अच्छी गेंद नीचे रहते हुए फिर से तेज गेंद कुछ समझ में जब तक आती बॉल कीपर के दस्तानों में समा चुकी थी। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में सल्लू काफी तेज गेंद करते हुए अब जो है मंगरामा जो चेज कर रही है दबाव में। चार ओवरों में मात्र 14 रन बने, विकेट तो उनके नहीं गिरे लेकिन और रन गति को जो मेंटेन करना चाहिए वो कर नहीं पाए हैं। इसी बीच अगली गेंद सल्लू की काफी तेज गेंद फिर से पावन खूबसूरत की रन लेना चाहते हैं, रन आउट की संभावना। इसी बीच रन आउट अब देखना किस सीट पे है। दोनों बैट्समैन हालांकि आकिब सजा कौन किया था नतीजा भुगते हैं आकिब और बल्ले के अंदरूनी हिस्से में गेंद वहीं पासिंग क्रीज पे लुढ़क गई और नानिशाही से बैट्समैन दौड़ गए इसी बीच में और विकेट का पतन होता हुआ बड़ी तेजी से पतन हुआ। अब स्कोर मेहता साहब स्कोर बताएं कि कितना है। 14 रन 3 खिलाड़ी नए आने वाले बल्लेबाज का नाम जानना चाहते हो जिसको YouTube पे देख रहा हो वो YouTube पे सब्सक्राइब कर सकता है, चैनल का नाम है कमाल दिल्ली बहुत दूर होती हुई 15 रन 3 खिलाड़ी आउट। साकिब सल्लू रन सर्विस बॉल तो मोहम्मद साकिब डालाई बॉल फॉर द स्टंप एंड हिट द स्टंप अंपायर इस कॉल का अंपायर फती ने रस्ते दे दिया आउट ओ वेल डिसीजन इंडीड। मैं चाहता हूँ हमारे साथी कमेंटेटर साहब आए मुलाकात। हाँ हाँ चेंज हो रहा है भाई कमेंटेटर, टेंशन मत लीजिए। नुमान एंड कंपनी का 11:30 बजे के करीब होगा। संजरपुर की भी टीम है, शहजाद क्लब खरेवा भी है, अफजल इलेवन तैयारी भी है। फाइनल आज रात को खेला जाएगा। एक बेहतरीन गेंदबाज जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि ये लगातार बलिया की टीम में ड्यूस बॉल से खेलते हैं उसके बाद मऊ की टीम में लगातार खेलते रहे। टूर्नामेंट है आज ही सब कुछ हो गया। मऊ की टीम में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए मिस्टर अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं। दिन का जब टूर्नामेंट होता है रेड बॉल से जो मुकाबला होता है इनकी गेंदों को खेलना उतना आसान नहीं होता, तो ये रात का मुकाबला है और दो गेंदबाज का एक्शन मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है। YouTube पे भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, YouTube के चैनल का नाम है कमल आसिफ। बहुत सारे मैच आपको वहां देखने को मिलेंगे, एक से एक इनिंग एक से एक बॉलिंग आपको देखने को मिलेगी। इनके एक्शन में कभी कोई कमी नहीं निकाली जा सकती। लगभग बहुत अच्छी खूबसूरत गेंद और यहां पर मैं पहले ही कह रहा था कि अगर टीम ने 40 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिया मंजीत क्लब मऊ ने तो जीत के लिए रास्ता खुल जाएगा, लेकिन 34 पर बेहतरीन सल्लू की पे सल्लू यादव और सनी यादव की बेहतरीन गेंदबाजी। आयाज क्लब आजगर वर्सेस दियासा के बीच अगला मुकाबला टॉस करवाने फरहान शेख सतीश यादव के बाबू रहमान अफजल शेख की अगुवाई में टूर्नामेंट चल रहा है। गोल के पीछे प्रदेश क्रमण लेकर पॉइंट की दिशा में गेंद गई थी जहां पर फील्डिंग कर रहे थे वीरेंद्र भारद्वाज, जब तक गेंद को फील्ड करने के लिए रन बनाने का मौका मिल गया। नाउ अब रनों की जो संख्या इस वक्त हो चुकी है 21 रन जीत के लिए 24 रन रनों की जरूरत है। नाउ बॉलिंग टू हियरिंग गो टू आवर स्टार ही प्लेड वेरी ब्यूटीफुली एंड एट द फील्डर सुपर प्लेन फील्डिंग ऑन लॉन्ग लेग हिट द बोल्ड फ्रेंड्स स्टार्टिंग इन रन गोइंग ऑन नाउ दिस
this time 23 loss of 5 wickets. 22 on the scoreboard. If we want to win this match, including 12 runs on the scoreboard, पर और रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए बची हुई गेंदों पर लगातार बाउंड्रीज की जरूरत है ना ये रहा सर टू बॉल ओवर दिस क्लियरली बट बैट्समैन डिड नॉट प्ले वेरी ब्यूटीफुली विकेट कीपर हैंडल्ड द बॉल एंड रन गोइंग ऑन नाउ स्कोरबोर्ड 22 लॉस ऑफ 5 विकेट तो अब मैं देख रहा हूं इस संकट के घनेरे बादल नजर आ रहे हैं टीम के ऊपर मगरमच्छ के ऊपर और ये बेहतरीन गेंदबाजी की बदलाव का फैसला ही हुआ इनका और अब आखिरी गेंद बहुत इस ओवर में लेकर तैयार होते हुए मिस्टर सालिम बहर और सतीश यादव इस वक्त अंपायरिंग कर रहे हैं मेरे साथ राम महताम भाई जो स्कोरिंग कर रहे हैं मेरे बड़े भाई सतीश यादव मेरे साथ समाज सभी हमारे साथ मौजूद है फरहान शेख सतीश यादव सफाउर रहमान अफजल शेख साहब और पेज में जाके आप टाइम टेबल देख सकते हैं कि इसका मैच कब है और ये मैच मऊ ने जीत लिया है। मिलते हैं अगले मैच में।